Welcome to the commerce classes. So today is Women's Day, so happy Women's Day to all the beautiful ladies out there. Today we will study training, the basic meaning of training, also the needs of training. So we'll begin this training. Training kya hota hai? Aap koi bhi organization ke andar jaate ho, you'll get the training. क्यों? क्योंकि आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो, आपको किसी भी चीजों का एक्सपीरियंस नहीं होता, आपको नहीं पता होता किस तरीके से एक्चुअली में प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे काम किया जाता है, तो आपकी वो नीड को पूरा करता है ट्रेनिंग. जरूरी नहीं है हर फ्रेशर इंसान को ही ट्रेनिंग मिले, जो ऑर्गेनाइजेशन में करंट एम्प्लॉयज है उनको भी बाय द टाइम ट्रेनिंग्स मिलती रहती है, क्योंकि उनकी जो नॉलेज है वो आउटडेटेड हो जाती है, उनकी स्किल्स है वो आउटडेटेड हो जाती है. सो बेसिकली ट्रेनिंग एक acted of increasing the knowledge and skills in an employee. इसकी वजह से आपको नई knowledge आती है, काम करने की नई techniques आपको सीखने को मिलती है, it means आपके अंदर नई skills develop होती है. For example, you are a junior accountant. आपने अपना BCom किया है, MCom किया है, you have a theoretical knowledge of accounts. In the practical life, जब आप junior accountant बनते हो और computer के अंदर software में आपको actually में work करना पड़ता है, that is quite different from the From the knowledge which you have gained. तो उसमें practical life में वो accounts का work, एक software में किस तरीके से होगा वो आपको training सिखाएगा. तो जब आप वो सीखते हो तो उससे आपकी knowledge increase होती है, आपकी skills increase होती है, और उसी को अपन कहते हैं training. So training is the act of increasing the knowledge and skills of an employee. एक employee के skills को बढ़ाने के लिए, उसकी knowledge को बढ़ाने के लिए, उसके subject matter के लिए अपन को ट्रेनिंग देनी पड़ती है. इसका मतलब होता है ट्रेनिंग. ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है, इट इज अ शॉर्ट टर्म एजुकेशनल प्रोसेस, इट इज नॉट अ लॉन्ग टर्म, बिकॉज अपना एनवायरमेंट, एक्सटर्नल एनवायरमेंट चेंज होता रहता है, इंटरनल एनवायरमेंट चेंज होता रहता है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ जाती है, तो बाय सच थिंग्स अपने चेंजेस आते रहते हैं, तो उस चेंजेस से मीट करने के लिए अपन को हर थोड़े टाइम में, 6 महीने में और वट एवर इज द प्रोसीजर, आपको ट्रेनिंग मिलती है. तो इसलिए इसको बोला गया है द शॉर्ट टर्म एजुकेशन प्रोसेस, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आपने नई नई जॉब ज्वाइन करी है, जनपद ज्वाइन किया है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको वो प्रोसेस सिखाने के लिए आपको 1 मंथ की ट्रेनिंग दे देंगे, नॉट एक्सीडिंग दैट, 2 मंथ्स दे देंगे, नॉट एक्सीडिंग दैट, क्योंकि उस ट्रेनिंग में एक ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट जाती है, बट उनको कोई आउटपुट नहीं मिलता है. आउटपुट तो जब मिलेगा जब आप काम करना स्टार्ट कर दोगे. तो इसी को अपन बोलते हैं ट्रेनिंग. Training bridges the difference between job requirement and employee's present specification. For example, मेरी present specification क्या है? मैं MBA हूँ HR में. मुझे HR की पूरी theoretical knowledge है. But मुझे software के अंदर किस तरीके से payroll किया जाता है, किस तरीके से सबकी salary compute करी जाती है, कैसे deductions होते हैं और किस तरीके से calculation होती है मुझे नहीं पता. तो उसकी ट्रेनिंग जब मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में जाऊंगी, मुझे उसकी ट्रेनिंग मिलेगी. तो ये जो गैप है, गैप किसके लिए, कि जॉब की क्या रिक्वायरमेंट है और मेरे अंदर क्या अभी करेंटली मेरी क्या स्पेसिफिकेशन है, इसका जो गैप है वो ब्रिज करती है ट्रेनिंग. उसके बाद में इट सीक्स रिलेटिव परमानेंट चेंज इन इंडिविजुअल. आप कोई भी चीज सीखते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई डांस ही सीखा है, तो आपके अंदर वो परमानेंट चेंज है. अगर आपको डांस करना आ गया, यू नो हाउ टू टर्न, हाउ टू मूव, हाउ टू स्वाइप, यू नो सच थिंग्स. तो जब भी आप कोई नई चीज सीखते हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो एक परमानेंट चेंज होता है आपके खुद के अंदर. ऐसा नहीं है कि अपन थोड़े टाइम बाद वो भूल जाएंगे. क्यों? क्योंकि वो अपन डेली अप्लाई करेंगे. जिससे ट्रेनिंग अपन को मिली है वो काम अपन डेली करेंगे, तो वो भूलने का तो सवाल ही नहीं है. सो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग. Now it comes of need of training. क्यों जरूरत होती है ट्रेनिंग की? What is the requirement of doing training? इतना पैसा organizations क्यों लगाती हैं अपने employees को train करने में? चलो ठीक है, freshers को तो train करती हैं. जो already experience है उनको training की क्या जरूरत है? उनको तो सब already आता है. तो पहला आता है job requirement. The basic thing is job requirement. It means अभी अपन ने बात करी थी, job की requirement थी कि आपको HR specialist होना है payroll के अंदर, जिसमें आपको salary computation आना चाहिए था. So that was a job requirement. तो वो complete करने के लिए आपको training दी जाएगी. Second thing is technological change. Technology बदलती रहती है, it keeps changing day by day. For example, पहले normal keypad वाले phone चलते थे,
कोई कोई एंड्रॉइड नहीं था, बट जैसे ही एंड्रॉइड आया टेक्नोलॉजी बदल गई. अब जिस तरीके से पहले फोन मैन्युफैक्चर होते थे उस तरीके से तो नहीं होने लग गए, चेंजेस आने लग गए, डुअल कैमरास आने लग गए, फ्लिप वाले फोन आने लग गए. क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल रही है. इस टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए करंट एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग की जरूरत होगी. क्यों? क्योंकि उनके पास तो ये स्किल्स नहीं है किस तरीके से एंड्रॉयड वाला फोन बनाया जाता है. वो तभी आएगी जब आप उनको ट्रेनिंग दोगे. फॉर एग्जाम्पल, जब स्टार्टिंग के अंदर जब क्लर्क्स काम करते थे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो मैनुअली हर एंट्री करते थे पेपर्स के अंदर. बट जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई, कंप्यूटर्स आए, तो उनको सिखाया गया कि कंप्यूटर में किस तरीके से काम करना है. इट इज ड्यू टू द टेक्नोलॉजी चेंज. देन इट कम्स ऑर्गेनाइजेशनल वायबिलिटी. ऑर्गेनाइजेशन वायबिलिटी का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन चेंज होती रहती है, ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ें चेंज होती रहती है. मानो फॉर एग्जाम्पल, मैं आज सिर्फ शैम्पू का प्रोडक्ट बना रही हूँ, बट आने वाले टाइम में मुझे कंडीशनर भी बनाना है, मुझे ऑयल भी बनाना है, तो उसके लिए मुझे आना चाहिए ना वो बनाना. क्यों? क्योंकि मेरे ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, उसका स्कोप बढ़ गया, उसका ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया, उसके प्रोडक्ट लाइन चेंज हो गई है. तो इस तरीके से अभी जैसे कोक आती थी, अब डाइट कोक आने लगी है, तो ऑब्वियसली डाइट कोक में कुछ और इंग्रीडियंट्स डलते होंगे. तो वो क्या है? वो ऑर्गेनाइजेशन वायबिलिटी है. ऑर्गेनाइजेशन में तो चेंजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से आपको ट्रेनिंग लेने की जरूरत होती है. उसके बाद आता है इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन. इतना कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो रहा है, एक नया प्रोडक्ट निकलता है, उसके चार नए नए मॉडल्स आ जाते हैं उससे पहले. कॉम्पिटिटर्स आपस में एक दूसरे को लेके, अपने प्रोडक्ट को लेके फाइट कर रहे होते हैं. तो आपके एम्प्लॉयज के अंदर जब तक अच्छी स्किल्स नहीं होगी, उनको अच्छे से ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, वो एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे. अच्छा प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे तो कॉम्पिटिशन से आप मीट नहीं कर पाओगे. कॉम्पिटिशन से मीट नहीं कर पाओगे तो यू विल बी सून आउट ऑफ द मार्केट. तो ये करने के लिए अपन को ट्रेनिंग देनी पड़ती है अपने एम्प्लॉयज को, ताकि कॉम्पिटिशन रहे. फॉर एग्जाम्पल, पहले कॉम्पिटिशन सिर्फ एक स्टोर्स पे हुआ करता था, रिटेल स्टोर्स हो रही, होलसेल स्टोर्स हो रही. नाउ इट गोज टू द ऑनलाइन, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट. अब फेसबुक पे भी चीज़ें बिकने लगी है, इंस्टाग्राम पे भी चीज़ें बिकने लगी है. क्यों? क्योंकि किसी ने तो स्टार्ट किया होगा. जैसे किसी ने स्टार्ट किया, उस कॉम्पिटिशन को मीट करने के लिए अपन को भी स्टार्ट करना पड़ा. तो क्या अपन को सोशल मीडिया की ट्रेनिंग है, सोशल मीडिया की ट्रेनिंग लेनी होगी? किस तरीके से अमेजॉन पे प्रोडक्ट डाला जाता है, किस तरीके से कंज्यूमर्स को टैप करा जाता है? इट इज़ ड्यू टू इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन कि आपको अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देनी पड़ती है. चेंज इन जॉब असाइनमेंट्स. चेंज इन जॉब असाइनमेंट मीन्स प्रमोशन एंड ट्रांसफर. आप अभी एच आर एग्जीक्यूटिव थे, जिसमें आप सिर्फ पेरोल का काम संभालते थे. अब आपको एच आर मैनेजर बना दिया गया है. एच आर में बहुत सारे काम होते हैं, पेरोल भी होता है, ट्रेनिंग भी होता है, रिक्रूटमेंट भी होता है, सिलेक्शन भी होता है, प्रमोशन के भी देखना होता है, फाइल वर्क्स भी देखने होते हैं. तो आपका जॉब असाइनमेंट जो प्रमोशन हुआ है पहले वाले पोजीशन से अब वाले पोजीशन के, तो आपको ट्रेनिंग लेने की जरूरत पड़ेगी. आपको एक बार मैनेजर बने हो तो यू नीड टू सी हाउ इट ऑल दी अदर थिंग्स वर्क आउट. किस तरीके से रिक्रूटमेंट किया जाता है, किस तरीके से सिलेक्शन किया जाता है, आपको उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी. तो इट इज कि आपके जॉब असाइनमेंट में चेंज हो गया, ट्रांसफर कर दिया गया. आपने ट्रांसफर करा तो वहाँ पे आपको दो तीन चीज़ें और एडिशनल दे दी गई है करने को, जो आप पहले नहीं करते थे, तो उसकी वजह से भी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी. तो जॉब असाइनमेंट में चेंज मतलब आपकी जो भी आप पहले काम करते थे उसमें और एडिशनल वर्क कर दिया गया है, एड ऑन कर दिया गया है, या उसी को थोड़ा चेंज कर दिया गया है. दैट इज चेंज इन जॉब असाइनमेंट.